मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं और जीवन पर्यंत उनका चमचा रहूंगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यह प्रतिक्रिया सांसद डॉक्टर केपी यादव के एक बयान पर दी है। पिछले दिनों गुना के सांसद केपी यादव ने एक भाषण के दौरान श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को गुलाम कहा था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मुझे गुलाम नहीं चमचा कहा है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूँ तो क्या गलत है? कल तक डॉक्टर केपी यादव स्वयं सिंधिया के वाहन के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? यदि उन्होंने मुझे टिकट दिया, मेरा जीवन सवारा, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति का चमचा हूँ और जीवन पर्याय रहूँगा। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे कढ़ाई भी दें, चमचा कढ़ाई दोनों इकट्ठा कर दो, चमचा हूँ तो हूँ, जीवन भर रहूँगा, अंतिम सांस तक रहूँगा, राजनीति छोड़ दूंगा परंतु महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को इस बात का गर्व है कि अगर मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कल तक क्या केपी यादव चमचा नहीं थे क्या? महाराज की गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? इसमें कौन सी बात है? मुझे महाराज ने टिकट दिया, मेरा जीवन में संवारा, मुझे मंत्री पद कैबिनेट का बनाया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े कद के व्यक्ति का मैं चमचा अगर हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे कढ़ाई भी दे दो, चमचा कढ़ाई इकट्ठी कर दो पूरी, तो हूँ तो हूँ, इसमें क्या बात है? और जीवन पर्यंत रहूंगा, अंतिम सांस तक रहूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मगर महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। सिसोदिया ने कहा कि पी यादव ने जो भाषण दिया वह अत्यंत कष्टदायक है, जिसमें कहा गया था कि सिंधिया जी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, सिंधिया का कद बहुत बड़ा है, किंतु यदि स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव के पुत्र को यह मंजूर नहीं है कि कोई उनके पिता को श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और 15 वर्षों में एक बार भी मुख्यमंत्री के रूप में अशोकनगर नहीं आए। क्या अशोकनगर की जनता मध्य प्रदेश में नहीं आती? 15 साल में उन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, मैं इस बात की निंदा करता हूं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अशोकनगर लाया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।